हेलो वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ निदा और आज मैं आपको बताऊंगी गोरा बुद्धिमान और सुंदर बच्चा पैदा करने के कुछ टिप्स, कुछ उपाय। चलिए शुरू करते हैं। प्रेग्नेंट होना हर महिला के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है। हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनका बच्चा गोरा बुद्धिमान और सुंदर हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप ही को यही बताने वाली हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी खाने से बच्चा हेल्दी भी होता है, गोरा और बुद्धिमान होगा। वैसे तो फ्रेंड्स, बच्चे का रंग पेरेंट्स के जीन पर, मिलने वाले जीन्स पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिसके खाने से, रेगुलर यूज़ करने से बच्चा गोरा और सुंदर पैदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि ऐसी वो क्या चीज़ें हैं जो आपको रेगुलर यूज़ करनी है। आप रेगुलर यूज़ करने से बच्चा गोरा और बुद्धिमान सुंदर पैदा हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला होता है कच्चा नारियल, यानी कि जो कोकोनट होता है, कच्चा नारियल प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। प्रेगनेंसी में कम से कम दिन में 2 नारियल का पानी ज़रूर पीना चाहिए। इससे आपकी बॉडी का जो है हाइड्रेशन लेवल बढ़ता है और नींद भी काफ़ी अच्छी आती है। नारियल खाने से बच्चा जो का जो रंग होता है वो बिल्कुल गोरा होता है, बच्चा गोरा पैदा होता है, क्योंकि नारियल और नारियल का पानी पीने से गोरा बच्चा करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, नंबर 2 केसर। केसर वाला दूध पीना प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा फायदेमंद, बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आपने सुना भी होगा कि जो पहले की औरतें होती थी वो केसर वाला दूध पीती थी। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी शुरू होते ही आप 1 गिलास गर्म पानी में केसर वाला दूध, थोड़ा सा केसर लें। ज़्यादा केसर खाना भी नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन केसर की 1 या 2 पत्ती दूध में डालें और उसको पिए। इससे भी, ऐसा करने से भी बच्चे का रंग गोरा और बुद्धिमान बच्चा पैदा होता है, क्योंकि केसर में कुछ ऐसे गुण होते हैं जिससे कि बच्चा गोरा और माँ का रंग भी गोरा होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, नंबर 3 बादाम खाना प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, 5 बादाम लेने हैं और उसको भिगो कर रात को रख देना है। उसके बाद सुबह उसका बादाम का छिलका उतार कर आपको वो दूध के साथ लेना है। तो ऐसा करने से बच्चे का रंग गोरा होता है और बच्चा बुद्धिमान और सुंदर होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, बादाम में काफ़ी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो कि प्रेगनेंसी में होने वाले कब्ज को, की जो प्रॉब्लम होती है उससे छुटकारा दिलाने में हेल्प करता है। इसके अलावा बादाम में विटामिन ई होता है, जो कि बच्चे के लिए और माँ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा नंबर 4 सौंफ खाना भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। प्रेगनेंसी में खाना खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ ज़रूर खाएँ, क्योंकि सौंफ खाने से खून साफ होता है, जिससे कि बच्चे का रंग और माँ का दोनों का रंग गोरा होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, नंबर 5 आपको चुकंदर खाने चाहिए। प्रेगनेंसी में चुकंदर खाने से ब्लड की जो कमी होती है वो पूरी रहती है, और ब्लड की पूरी जो कमी होती है वो चुकंदर दूर करता है। इसके अलावा चुकंदर खाने से बच्चे का रंग भी गोरा होता है, बच्चा बुद्धिमान होता है। इसके अलावा 6 अनार, अनार खाना, अनार का जूस पीना, यह प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और बॉडी में जो है बच्चे का रंग जो होता है वो गोरा होता है, साथ ही साथ माँ का रंग भी गोरा होता है। इसके खाने से आयरन का लेवल ठीक होता है और शिशु और जो माँ है दोनों की हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। तो फ्रेंड्स, यह थे गोरा बच्चा पैदा करने के और बुद्धिमान और सुंदर बच्चा पैदा करने के कुछ उपाय। ये खाना ज़रूर आप अपनी प्रेगनेंसी में, इसको अपनी प्रेगनेंसी में ज़रूर शामिल करें। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए और हमारी इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, निदा हेल्थ केयर। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपकी कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।